गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6:30 बजे हैं और हम हैं हमारी पहली कैंप साइट निचनाई पर। आफ्टर टेकिंग टी एंड यमी ब्रेकफास्ट, वी ऑल वेयर रेडी टू मूव ऑन। आज हम निचनाई से विशनसर कैंप साइट जा रहे हैं, जो कि समुद्र तल से करीबन 11,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आज का हमारा रूट कल से कंपैरेटिवली थोड़ा शॉर्ट है, विद सम मॉडरेट ग्रेडियंट। नदी के किनारे चलते हुए कुछ छोटे पत्थरों को पार करते हुए हमने अपनी हाइकिंग की शुरुआत की। आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर इन एन आवर और सो, रास्ते पर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ते हुए करीबन 1 से 1.5 घंटे में हम पहुंचेंगे निचनाई पास, जो कि समुद्र तल से करीबन 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। निचनाई पास पर एक छोटा सा ढाबा है जहां आप चाय, कॉफी अथवा नाश्ता कर सकते हैं। जैसे ही आप टॉप पर पहुंचते हैं, अचानक छोटे बर्फीले पैच बड़े ग्लेशियरों में बदल जाते हैं और उनका पानी छोटी झीलों और नदियों में बह जाता है। रास्ते में फूल और घोड़े आपका साथ देते हैं और आपको थकने नहीं देते। निचनाई दर्रे के ऊपर से आपको धीमी गति से उतरना है। शुरू में पत्थरों से गुजरते हुए धीरे धीरे फूलों से भरे घास के मैदान में आप पहुंचेंगे। अंत में आप एक वाटर स्ट्रीम के बगल में एक खूबसूरत घाटी में उतरते हैं, जिसमें एक झरना है जो आप सभी देख सकते हैं। यह हमारा लंच पॉइंट था। यहाँ से हमने अपनी बॉटल्स भी फ्रेश वाटर से रिफिल की और इसके आगे जब हम चले तो वी केम अक्रॉस अ ग्लेशियर। यहाँ पे हम लोगों ने फोटोग्राफी की। आफ्टर लंच वी वॉक्ड थ्रू लॉन्ग मिडोज अलोंग विद शेफर्ड्स एंड देयर शीप्स। रस्ते में आप कहीं पर भी रुके तो ध्यान रहे अपना रक्सेक तुरंत ना उतारे और एक फ्लीस जैकेट साथ रखें जिसे आप तुरंत पहन लें ताकि आपको ठंडी हवा ना लगे। एज यू कीप वॉकिंग यू विल कम अक्रॉस अ मीडो फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स। ये खूबसूरत फूल आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देते कि आपने जंगल को कहीं पीछे खो दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आप अपनी ऊंचाई बदलते रहते हैं, वैसे वैसे वे रंग बदलते रहते हैं, क्रिम्सन रेड से ब्लू और फिर वाइट और फिर रंगों का अनोखा कॉम्बिनेशन। रास्ते में हमें हल्की बारिश की बौछार मिली, बट वी वेर लकी दैट इट लास्टेड ओनली फॉर फ्यू मिनट्स एंड वी वेर एबल टू कंप्लीट आवर ट्रैक वेरी कंफर्टेबली। After a long walk, finally, जब हम अपनी कैंपसाइट पहुंचे, तो हम सब बहुत थक चुके थे। हमने अपनी कैंपसाइट पहुंचने के लिए विशनसर लेक से ओरिजिनेट हुई
एक वाटर स्ट्रीम को क्रॉस किया एंड फाइनली वी रीच्ड आवर टेंट्स। After having our energy drink, we went to Vishansar Lake, which was around 15 minutes distance from our campsite. Vishansar Lake एक उच्च ऊंचाई वाली झील है, जो लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन परिवेश से भरपूर है। यह एक तरफ ऊंचे दांतेदार पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ हरे भरे घास के मैदान है। दिन के समय सूर्य प्रकाश में परिवर्तन के साथ रंग बदलता है इस झील का पानी। The glimpse of lake and reflection of four mountains surrounding Vishansar Lake gives you a feeling of peace and divinity. After coming back, we also enjoyed horse riding. This is how we ended up our beautiful day. In my next video, I will be taking you to the track to Gadsar Pass. If you like my video, please hit the bell icon and subscribe my channel.